वेलकम टू रोशनी की दुनिया। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए नॉनवेज की दो रेसिपी एक ही वीडियो में, जिसमें मैं चिकन कड़ी बनाना बताऊंगी और दूसरा फिश कड़ी बनाना बताऊंगी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पाव चिकन को अच्छे से वाश करके ले लिया है। मैंने यहाँ पे 1 अदरक के टुकड़े को छील करके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 2 लहसुन की कलियों को छील करके ले लिया है। हम कुटनी में अदरक को डालेंगे, इसे बारीक होने तक कूट लेंगे। ये देखिए हमें इतना पतला कूटना है। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। हम लहसुन को डालेंगे और इसको भी बारीक कूट लेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन को साथ में भी कूट सकते हैं। यहाँ पर मैंने साबुत मसालों में 3 सूखी लाल मिर्च, 1 स्टार, 2 तेजपात, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 जावित्री लिया है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर वाश कर लिया है। 1 कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम करेंगे। जब हमारा तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब साबुत मसाला ऐड करेंगे। 1 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से चलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर हमारे प्याज थोड़े ही सॉफ्ट हुए हैं। हम इसे कवर करके 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। हम प्याज को चलाएंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से चला करके मिक्स कर देंगे। हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम बीच में एक बार और चलाएंगे और कवर कर देंगे। यहाँ पर हमारे प्याज को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चलाएंगे। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे कवर करके 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन पानी छोड़ चुका है तो हम इसे चलाएंगे। दो मिनट के लिए कवर कर देंगे। कटा हुआ टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, जिससे कि हमारा टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी डालेंगे, लाल सूखी मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। कवर करके 5 मिनट तक पकने देंगे, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो गया है। अब हम इसे चलाएंगे।
हम इसे 2 मिनट के लिए और कवर कर देंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, हमारा चिकन भी गल चुका है। अब हम गरम मसाला ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दो मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि मसाला चिकन में मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम चलाएंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ा बनकर तैयार है। इसमें कटा हुआ धनिया का पत्ता ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो मिनट के लिए कवर कर देंगे जिससे कि हमारा धनिया का स्वाद चिकन में आ जाए। हमारा चिकन बनकर तैयार है। मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है क्योंकि मुझे रोटी नहीं बनानी थी। अब मैं इसमें चिकन निकाल कर दिखाती हूँ और ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी दिख रही है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सलाद ले लेते हैं जिसमें मैंने कटा हुआ टमाटर, खीरा और प्याज लिया है, आधा नींबू रख लिया है। हमारा चिकन खाने के लिए तैयार है। आप इसे बनाओ, खाओ और पूरे परिवार को खिलाओ। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बड़ी वाली मछली को साफ करके ले लिया है। इसे ऐसे बर्तन में रखा है जिससे कि इसका सारा पानी बाहर निकल जाए। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें सारे मछली को डालेंगे। 1 स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 स्पून नमक ऐड करेंगे। इसको बड़ी वाली स्पून से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि जितना अच्छा हाथों से होता है उतना अच्छा मिक्स ये स्पून से नहीं हो पाता है। हम इसे एक प्लेट से कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम मसाले बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने पीले वाले सरसों लिया है जो कि 2 स्पून के बराबर है। यहाँ पर मैंने खड़ा धनिया लिया है, खड़ा जीरा लिया है, 2 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च लिया है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के लहसुन को छील के ले लिया है, 1 अदरक को छील के टुकड़े कर लिए हैं। इसको मैंने सिलबट्टे पर पीस लिया है, आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। 1 कटोरी में 1 टीस्पून रेड चिली डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, 2 छोटी वाली इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 स्टार, 1/2 टीस्पून जीरा, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च लिया है, 1 नींबू को टुकड़े को काट लेंगे। फिश को कवर किए हुए 20 मिनट हो गए हैं। इसमें नमक डालेंगे, हमने पहले भी नमक डाला है इस बात का ध्यान रखें। 1 टीस्पून रेड चिली डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। इसमें नींबू को निचोड़ देंगे। पिसे हुए मसालों में से 2 स्पून ऐड करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने मसाले को सिलबट्टे पे पीसा है, इससे स्वाद ज़्यादा आता है। अगर आपके पास हो तो सिलबट्टे का ही यूज करें।
इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। एक फ्राई पैन में तेल डालकर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। एक बड़े वाले स्पून से फिश को डालेंगे। इसी तरह बाकी सारे फिश को पैन में डालेंगे। स्पून से डालने पर हमारे हाथों पे छींटे कम आते हैं। हम इसे 3 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। हमें इसे कुछ नहीं करना है। 3 मिनट बाद हम इसे पलटेंगे। एक एक कर सारे फिश को पलट देंगे। हमारे फिश पे एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। दूसरे साइड भी हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर हमारे फिश दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। तो एक एक करके हम सारे फिश को एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें ऑयल डालकर गरम करेंगे। इसमें साबुत मसाले डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट लिया था। इन सब को मिक्स करेंगे। ढककर 2 मिनट पकाएंगे, जिससे कि हमारे प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाए। हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसको ढककर 2 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे प्याज अच्छे से भून चुके हैं। इसमें एक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हमारे प्याज और टमाटर दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो सूखे मसाले डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। पीसे हुए मसालों को ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और इसको कवर करके 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू भी आ रही है। मसाले वाले कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर डाल देंगे। हाफ कप वाटर ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे। पांच मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं,
फ्राई किया हुआ फिश ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ऊपर से कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि हमारी फिश पहले से ही पकी हुई है। ये देखिए हमारी फिश करी कितनी अच्छी बनकर तैयार है, हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे चावल के साथ खाओ क्योंकि फिश तो चावल के साथ ही खाते हैं। आप इसे बनाओ, खाओ और पूरे परिवार को खिलाओ।